अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसके बारे में पहले भी जानकारी मिला था, अवैध शराब का, और बहुत चिंता का विषय है। और मुझे जहाँ तक सभी अधिकारियों से बात हुई है, वो तह तक पहुँच गए हैं। पिछले बार भी अपराधी पकड़े गए थे और इस बार भी कार्रवाई होगी, लेकिन ये अत्यंत दुखद है और निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ संदीप सिंह। कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद भी सारण और सीवान में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें हुई है, जिसको लेकर के लगातार बिहार में राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। उसी कड़ी में अभी जब सारण से जो सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, उनसे सवाल किया गया कि सारण में मौतें हुई है जहरीली शराब पीने से, तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने साफ साफ कह दिया है कि पहले भी कुछ गिरोह ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, पहले भी इस तरह की घटना हुई थी लेकिन कार्रवाई हुई थी, और अभी भी जो है हमने तमाम अधिकारियों से बातचीत किए हैं और जांच पड़ताल जारी है, जो भी दोषी होंगे उसमें बख्शा नहीं जाएगा। काफ़ी दुखद समाचार है, दुख का घड़ी है, और इस मुद्दे को लेकर के और भी क्या कुछ कह रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, आइए आपको सुनाते हैं। सारण जिला में ये समझता हूँ कि इस तरह की विभीषिका दूसरी बार हुई है, पिछले बार भी, और ये कोई बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसके बारे में पहले भी जानकारी मिला था, अवैध शराब का, और बहुत चिंता का विषय है। और मुझे जहाँ तक सभी अधिकारियों से बात हुई है, वो तह तक पहुँच गए हैं, और बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार मजबूती से इस पर कार्रवाई कर भी रही है, और मुझे विश्वास है कि पिछले बार भी अपराधी पकड़े गए थे और इस बार भी कार्रवाई होगी, लेकिन ये अत्यंत दुखद है और निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। सर, विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं और सवाल खड़ा करने वाले हैं कि जब पूर्ण रूप से शराब बंदी नहीं हो रहा है, तो विपक्ष का तो काम ही है सवाल खड़ा करना, तो कोई उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। तो आपने सुना कि साफ तौर पर राजीव प्रताप रूढ़ी ये क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी चिंता का विषय है, हमने अधिकारियों से बातचीत किया है और जांच हो रही है, जो भी इसमें दोषी पाएंगे और उस पर कार्रवाई भी होगी। पिछले बार भी कई ऐसे गिरोह हैं जो इसको लेकर के सक्रिय थे, काम कर रहे थे, और उससे गिरफ्तार भी किया गया था, और आगे भी काम जो है वो होगा, गिरफ्तारी होगी। और साथ ही साथ विपक्ष को लेकर के जब पत्रकारों ने सवाल किया कि विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि विपक्ष का काम होता है बोलना, और वो बोलते रहे। तमाम चीज़ को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे राजीव प्रताप रूढ़ी, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उसके माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।